गुड मॉर्निंग हो चुकी है। इतनी बुरी हालत में मैं यहाँ पे सो रही हूँ आजकल। मम्मी भैया यहाँ पे सो रहे हैं जो कि हम बता चुके हैं, और किचन का कुछ ऐसा सा हाल है। तो अब हम ये पूरी बनवा रहे हैं पत्थर की, और पीछे वाली वॉल पे लगवाएंगे टाइल्स। एंड टाइल्स हमें मौसी के यहाँ पे काम चल रहा था, तो मौसी हमें टाइल्स दे रही है, क्योंकि मौसी के यहाँ पे ना स्पेयर बची हुई थी। बट स्टिल कोई इतना सोचता और इतना करता है तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो मौसी ने बोला हमारे यहाँ से ले जाएंगे, तो टाइल्स हमने मौसी के यहाँ बची हुई थी, इसलिए फिर हमने सोचा कि चलो टाइल्स लगवा लेते हैं, और प्लस पत्थर भी हमारे यहाँ पे आया हुआ है। तो अब नीचे सारा काम शुरू हो गया, मम्मी नीचे ही हैं अभी फ़िलहाल। और इस रूम की हालत ऐसे हो रही है, मम्मी चाय ऑफर कर रही है नीचे, और इस रूम की हालत ऐसे हो रही है। तो बहुत गंदी हालत हुई पड़ी है सारे कमरों की। और ये कल हम बैग्स परचेज करके लाए हैं मैं और मम्मी, तो कुछ हमने बनवाए हैं, कुछ हम परचेज करके लाए हैं, तो इसमें भी हम सामान सारा सेट करेंगे। ये बैग मुझे पसंद आया, वो बड़े वाला बैग तेरी पसंद आया। मम्मी को ये पसंद आया है, पसंद नहीं आया। मम्मी मेरी पसंद का नहीं, मैंने बोला था कि आप अपने अकॉर्डिंग देखो। अब तो बोल रही थी, अब ये ना मेरे को जो एक्सपीरियंस जो मेरा है ना, मुझे तो मैंने एक्सपीरियंस में मैंने क्या बात बोली थी कि आप अपने अकॉर्डिंग देखो। अब मैं सोचूं चेंज, मुझे क्या पता चेंज कर। अब इसमें आएंगे 4 जैकेटें, इसमें आएंगी 50 जैकेटें। अरे ये यूं फैल जाएगा, उठेगा भी नहीं, और निकालने में कितना दिक्कत पड़ेगा ये पूरे में। अगर तेरी तेरी जैकेट भी आ जाए तो भी होता ही है। और आज खाने में बना है दाल रोटी। फ्रेंड्स कोई खाना भेज दो बढ़िया सा, दाल रोटी नहीं खाना। कैसे बनाया मैं जानती हूँ, तेरे फैलावे में काम करना, ऊपर से इसके चोचले। आज तो मैंने गुड मॉर्निंग भी नहीं करी, मेरे को चक्कर। गुड मॉर्निंग कभी भी नहीं करते हो आप, आज की बात नहीं है, शाम को हो रही है कभी गुड मॉर्निंग, कभी कुछ हो रही है। अब चंचल को बोल दे मेरी छुट्टियां एडजस्ट कर देगी, भैया मेरी मजबूरी है। चंचल शारदा जी कभी मना नहीं करती, मेरी छुट्टियां मुझे एडजस्ट चाहिए, क्योंकि मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ ना, कल मैंने पूरे दिन कुछ खाया। यहाँ पे मैं सारी बातें बोल नहीं सकती, वरना बोल देती। ठीक है, खाना खा ले, दाल बनी है। और प्रिया मैडम आज आ रही है, और प्रिया मैडम बोल रही है कि मैं आज चली जाऊँ उसको लेने नकुल के साथ। बट फ्रेंड्स इतने फैलावे में पॉसिबल ही नहीं है मेरा जाना। नहीं दीक्षा बहुत मुश्किल है, तुम नाम मत ले। अब पता है ये तीजो के थोड़े से गिफ्ट पैक रह गए, आप मंगाया मैंने। हाँ भाई मैंने उसको यही बात समझाई, मैंने कहा बहन इतना घर फैलावे कैसे आए, तेरे को ले रहे तो शायद नकुल ही जाएगा। नहीं उसको बोलो आर घर का काम करवा, यहाँ बहुत काम है, मैं आके हेल्प करा दूंगी। हाँ सारा रिटर्न। और तीजो के गाने चाहिए, मुझे गाने नहीं मिल रहे तीजो के। ओ मामा ने ये भेल भेजवाई है क्या? ये भेल तो फेवरेट है मेरी। गाइस ये भेल बढ़िया लगती है, फटाफट भेल। तुम एक काम करो ये खाओ, तुमको नाश्ते में बना के। ओ वाओ ये भी है, ओ वाओ ये भी है, ये सब तो मैंने देखा ही नहीं मम्मी। आम पापड़ तो मैं खाती हूँ, प्रिया खाती है तो दे दीजिए। आम पापड़ मैं नहीं खाती, मैं प्रिया तो आम पापड़ खा लेती है। और ये घेवर बचा है, ओ फ्रेंड्स मेरी किस्मत का बचा हुआ थोड़ा सा। मम्मी डाइटिंग बिल्कुल मत करना तुम, लो खाओ जल्दी से थोड़ा सा, इतना इतना खाओ बस। यही को बोलिए वीडियो नहीं देखेगी बस, यही आए आका बस। मेरा भाई लाया बस, मैं सोच रही हूँ इस डब्बे को कहीं छुपा दूं। भावेश इतना इंटेलिजेंट है, पूरे सजेशंस देता है, पूरी हेल्प, पूरी हेल्प करा के पूरे सजेशंस देता है। हमारा लौंडा भावेश, बाकियों का दिमाग नहीं चलेगा, इसका दिमाग बहुत तेज चलता है। सीरियस नोट पे मैं बोल रही हूँ, मजाक नहीं करती। कारपेंटर सारा कुछ करेगा, ड्रिल वाला करेगा जो। अरे गाइस हमने अमेज़न के लिए बैग मंगवाए थे बेड के लिए, तो वो कुछ इस तरह से आए हैं तीन। मम्मी देखो ऐसी क्वालिटी बहुत ज्यादा हल्की लगी हमें, तो अभी हम अमेज़न को रिटर्न कर देंगे। मस्त छोले कुलचे खाने के बाद दीक्षा गोयल खाएंगी घेवर, टेम्पटिंग घेवर भाई, बेस्ट घेवर है इसका, बस इसका टक्कर कोई हो ही नहीं सकता।
क्या मेल्ट होता है यार खाते ही मुंह में, मजा आ जाता है। पूरे घर में मिट्टी 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 हो चुकी है, ये देखो मिट्टी दिख रही है सारे बर्तनों पे। अब मैं सोच रही हूँ कि अर्बन क्लैब वाला बुला के हैंड टू हैंड सोफे भी क्लीन करा लें, और शीशे वाला बुला के जरा ये शीशा भी लगवा दो। ये एक्चुअली हम लोगों को सेम डिजाइन नहीं मिला, इतना गंदा लगता है ये टूटा हुआ। तेरे नाम करवा दूं मकान? कराओ अभी, अभी ना भी साइन करो। 18 साल की हो चुकी, करा दो उसके नाम। तो अपने ससुराल वाले भाई के नाम कर दियो। जो आने वाली होगी ना भाई की दीदी की लड़की, बस मकान नहीं है अपना। जैसे आपने दिया होगा अपनी बेटी को, ऐसे वो भी नहीं आएगी। तो लड़का बाहर बहुत ज्यादा मिट्टी उड़ रही है, बहुत ही ज्यादा। गाइस सोनिका ने गलती से गुल्लू को जल्दी भेज दिया। ओए नो, रुको, इसको जल्दी छोड़ो, छोड़ो इसको, छोड़ो इसको। खा लिया ना तूने? पत्थर खा लिया इसने। हाय राम, मिट्टी की शौकीन। चलो ऊपर, अब ऊपर फुल मिट्टी हुई है, पूरा सफेद हुआ पड़ा है घर, बहुत ही ज्यादा। तेरी तो तेरी लंका लगाएगी आंटी, बैंड बजेगी उतना बर्तन। हाँ तेरी आंटी तेरी लंका लगाएगी बेटा। मैं नहा चुकी हूँ एंड अभी फिलहाल बज रहे 6:30। बहुत मजा आया, फिर एकदम फ्रेश फील हो रहा है नहा के, बट मुझे लग रहा है कि सर धोया मैंने फिर से मिट्टी हो जाएगा, क्योंकि बहुत मिट्टी उड़ रही है, बहुत ही ज्यादा मिट्टी उड़ रही है। आने के बाद ये बनाए मैंने भावेश जी के लिए, तो उसको पास कर दो वहां मिक्सी चला के। ये ले, हिटलर फादर की फिक्स सीट जा चुकी है, पर फिक्स पोजीशन नहीं गई है ना। आदमी जान से जाए पर सीट से ना जाए। हाँ, कुर्सी कुर्सी के लिए वर्ल्ड वार हो जाती है, और ये तो कुछ भी नहीं है कुर्सी, जो वर्ल्ड वार में कुर्सी चलती है। देख दिशा, कोई कहीं भी फेंक देता है। अब बता मेरी यहाँ फेंक दे, मैं यहाँ शिफ्ट हो गई, वहाँ फेंक दे। मैं आई थी ना, ऐसे लेटे हुए थे आप पूरे आराम से, तो वही तो गाड़ी जहाँ मर्जी फेंक देते। मुझे तो कोई नहीं, कुर्सी के लिए लड़ो, लोग जान दे देते हैं, एक एक टांगे खींच लेते हैं अलग अलग। मैं लड़ने लग गई ना, तुम घर से बाहर होंगे, अभी तो मेरी शराफत है, मैं चुप चुप लगा लगा के पूरी जिंदगी। मैं तो पहले कोने में बैठा हूँ, बाहर की बाहर वाली वैल्यू है कोने में बैठना। अपनी वैल्यू खुद बनानी पड़ती है ना। सो गाइस, इस ब्लॉग को करने यहीं पे एंड, एंड आज हम लोग ज़्यादा शूट नहीं कर पाए क्योंकि पूरे घर पे मिट्टी 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 थी। तो मैं रूम में बैठी हुई थी और मैं अपनी एडिटिंग वगैरह कर रही थी, और कुछ मेरे पास और भी काम आया हुआ था ब्रांड्स वगैरह का, तो मैं वो सारा काम निपटा रही थी। एंड बाहर स्वीट मॉम बैठी हुई थी सिर्फ देखने के लिए कि भैया कैसा काम करें, एंड भावेश भैया के साथ पूरी हेल्प करा रहा था क्योंकि भावेश को बहुत ज़्यादा नॉलेज है इन चीज़ों की, तो वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर नाप वाप की सारी चीज़ें वो पूरी हेल्प करा देता है। कोई भी हमारे घर पे बढ़ाई, कोई भी हमारे पे पेंटर कुछ भी लगता है ना, तो उसको मतलब फितूर है, उसको शौक है ये सारी चीज़ों का, तो पूरी उसने हेल्प कराई। हिटलर फादर ने पूरी शॉप मैनेज करी। तो इस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रहे हैं, एंड हम लोग डेली ऑलमोस्ट डेली दो दो व्लॉग्स डाल रहे हैं, एक सुबह 6 बजे और एक 12 बजे।
तो आज भी 12 बजे व्लॉग आएगा, आप लोग देख सकते हैं आफ्टरनून में 12 बजे। तो आप दिन के दो व्लॉग्स इंजॉय करो, इसलिए थैंक यू सो मच एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना यार, लव यू सो मच।